सिंह उडारिया में जिस तरीके से फतेह ने तेजो और बूजो के रिश्ते के ऊपर शक किया और सबके सामने उनके रिश्ते को लेकर उनकी बेइज्जती की, उनकी बेइज्जती को रोकने के लिए और तेजो को सही साबित करने के लिए आखिरकार सिमरन सामने आ गई। सिमरन को देखकर पूरे घर वालों के होश उड़ गए। सिमरन को देख सब पूछने लगे कि तू कनाडा से कब आई। सिमरन कहती है कि मैं 3 साल पहले ही आ गई थी। सब कहते हैं कि अभी 1 हफ्ते पहले तो तुमसे बात हुई थी वीडियो कॉल पर, उस समय तो तुम कनाडा में थी। तब सिमरन सारी सच्चाई बताती और कहती है कि नहीं, वो सब झूठ था, वो सब कुछ झूठ था जो तुम्हें दिख रहा था। मैं यहीं पर हूँ। और बूजो, रही बात बूजो की, तो बूजो ही वो लड़का है जो 3 साल पहले जब मैं आई थी तो इसने मुझे संभाला, मुझे जॉब दिलाया, मुझे एक घर दिलाया, सब कुछ बूजो ने किया। और आज बूजो और तेजो के रिश्ते पर फतेह तूने शक करके सबसे बड़ी गलती की है। बूजो और तेजो का रिश्ता तू जानना चाहता था ना, तो बूजो और तेजो का रिश्ता जो है वो देवर भाभी से भी बढ़कर कहीं भाई और बहन का है, क्योंकि बूजो तेजो को अपनी बहन मानता है। ये सब सुनने के बाद फतेह के तो होश उड़ते ही उड़ते हैं, लेकिन फतेह कहता है कि जब तुम यहाँ पर थी सिमरन दी, तो तुमने क्यों नहीं हमें बताया, तुम्हें बूजो और तेजो पर ज़्यादा विश्वास था। यहाँ पर सिमरन कहती है कि यहाँ पर आए और अपनों का बात नहीं है, यहाँ कोई खून की बात नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि सच्चा कौन है और कौन तुम्हें समझता है। जिस तरीके से तेजो ने मुझे समझा, मुझसे हमदर्दी दिखाई, वो शायद ही मुझे कोई इस घर के लोगों में से मिलता। वह सिमरन ने तो ये भी कहा फतेह को कि तुझ जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने नहीं देखा था, तूने किस तरीके से एक अच्छी लड़की, नेक दिल लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, तू खुद तो गिरा हुआ है और तू इसे भी गिरा हुआ समझ रहा है। बहुत कुछ सिमरन कहती है और अंत में खुशवीर सिंह कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ, लेकिन तू आई क्यों लौटकर और 3 साल तक छुपी क्यों रही, क्या है इसके पीछे की वजह। अब सिमरन बताने वाली थी कि भाई उसका बेटा है, लेकिन यहाँ तेजो रोक देती क्योंकि खुशवीर सिंह बहुत गुस्से में थे। अब उस बेटे वाली बात नहीं बताती है और फिर कहती है कि कुछ तो वजह है माँ, जो मैं बाद में बताऊँगी। फिर खुशवीर सिंह वहाँ से जाने के लिए सिमरन को कहते और कहते हैं कि तू आज तो यहाँ आई है, लेकिन दोबारा कभी भी यहाँ मत आना, निकल जा। फिर बूजो और सिमरन चले जाते हैं। माँ जो है वो काफ़ी रोती हैं और फिर सिमरन कहती है कि माँ मैं आऊँगी ज़रूर एक दिन सारी सच्चाई के साथ। वेल, यहाँ सिमरन तो चली जाती है, लेकिन अब जो है फतेह को बहुत अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वो जैस्मिन से कह रहा है कि आज मैंने तेजो पर शक कर या पहले शक करके बहुत गलत किया, क्योंकि मैं अपने गिल्ट में था, मेरा खुद अफेयर चल रहा था, इसलिए मुझे लग रहा था कि तेजो भी यही कर रही है, मैं अपने गिल्ट को छुपा रहा था। अब देखना यह है कि अब आगे शो में कौन से मोड़ आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब फतेह को पछतावा ज़रूर हो रहा है।